हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ओके। और आप सब पढ़ाई के लिए रेडी हैं ना? ओके। तो सबसे पहले तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालना है। ओके। टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 11 ओपन करना है। पेज नंबर 11। ओके। अच्छा, तो सबने ओपन की ना अपनी बुक? आप अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन भी रखना है। यहाँ कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ये मैंने लिखे है, ये भी आपको अपने नोट में लिखना है। ओके, ओपन योर नोटबुक। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 2 एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 3 हमने आगे पढ़ी थी, इसमें क्या था याद है ना आपको? कि जो जॉन थे और उसके दादा थे, और कौन कौन से कैरेक्टर थे उसमें? उसकी जॉन के ग्रैंडफादर, उसके पेरेंट्स और जॉन। तो क्या था स्टोरी में कि जॉन और उसकी जो माँ है, जॉन है वो स्कूल से आता है, ओके, और उसकी माँ ने उसके लिए कुकीज बनाई थी, तो वो कुकी खा रहा था और बहुत खुश था। तब भी उसके जो ग्रैंडपा है ना, वह आते थे और क्या कहते हैं कि स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग आ रही है। और उसका मीनिंग क्या है ये तो तुमको पता ही है। तो हर स्प्रिंग पे ये जो उसकी फैमिली ट्रिप थी, वो सब फिशिंग ट्रिप के लिए जाते थे, ओके। तो वह जॉन था वो बहुत खुश हो गया कि अब हम सब ट्रिप पे जाएंगे। ऐसे में इतनी मम्मा आई और उसने क्या कहा कि मैं सोच रही हूँ कि स्प्रिंग आ रही है और हमारी एनुअल क्लीनिंग हो जाए, मैं हमारा ये पूरा जो होम है वो क्लीन करने के लिए सोच रही हूँ, ओके। तो फिर जॉन ने क्या कहा, ओके, उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा तो क्या थी कि वह ट्रिप पे जाए। लेकिन फिर उसकी मम्मा ने घर पे सब इनसाइड आउटसाइड और जो सब अपस्ट्रेट थे वह सब भी उतने बहुत, जब तक सभी स्पॉटलेस नहीं हो गए तब तक उसने सफाई की। फिर क्या हुआ कि जॉन की मम्मा ने क्या कहा कि ये जो चेयर है ना, ये भी अब बहुत ही पुरानी हो गई है, उसके ग्रैंडफादर की चेयर थी, ओके। तो जॉन की मम्मा ने बोला कि ये चेयर है बहुत पुरानी हो गई है, हम अब नई वाली लाके देंगे, ये वाली हम टूट गई है, बिगड़ गई है, तो उसे हम फेंक देते हैं। तो तब भी उनके जो ग्रैंडफादर है वो आते हैं, वो उसके लिए वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे अपनी चेयर कहीं भी नहीं ले जा देनी है, मैं अपनी चेयर को यहीं रखूंगा, मुझे कोई नई वाली चेयर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चेयर चाहिए, ओके। तो तभी तो उनके दादा ने जॉन के मम्मा के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट करके अपनी चेयर को बाहर जाने से रोक लिया था। और फिर जब जॉन के मम्मा ये रूम छोड़कर बाहर चली जाती है, तब जॉन है ना वो अपने दादा से पूछता है कि तुम क्यों अपनी इस चेयर को बाहर ले जाने नहीं देते थे, ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ी थी, अब आगे की कहानी क्या है ये हम देखेंगे। ग्रैंडपास फ्रेंड 2। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 3 में क्या था ये आप सबको अब अच्छे से रिमाइंड भी कर लिया, ओके। तो ये जो स्टोरी वहाँ पे फिनिश नहीं हुई थी, ओके, फिर क्या हुआ था तो ये अब यहाँ अगली स्टोरी में बताया गया है। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, तुम नहीं समझ सकोगे जॉन। पॉपअप शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ही सेड। जॉन के ग्रैंडपा ने क्या किया कि उसका शूक ऐसे साइड में रख दिया, उसका हेड ऐसे हिलाया और साइड में रख दिया, और फिर लंबे आराम के बाद उसने कहा, इसे लॉन्ग पॉज, इसने थोड़ा सा इसे स्टॉप किया, फिर उसने कहा, आई सेट इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंडमा राइट हियर, मैं यहाँ पे
तुम्हारी दादी माँ के साथ इस चेयर पे बैठता था। अब दादा है ना, वो रीजन बता रहे हैं कि ये चेयर है ना, वो क्यों छोड़ना नहीं चाहते। ये चेयर भले ही कितनी पुरानी हो गई हो, टूट गई है, बिगड़ गई है, फिर भी इस चेयर के साथ ऐसा क्या है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो अब ये अपने ग्रैंडसन को समझा रहे हैं। वंस अगेन आई रिपीट, आई सेट इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंडमा राइट हियर। मैं यहाँ पे तुम्हारी दादी माँ के साथ इस चेयर पे बैठता था। When I asked her to marry me, जब मैंने उसको मैरी करने के लिए पूछा था, मैंने उसको मैरी के लिए, विवाह के लिए प्रपोज किया था, प्रस्ताव मुका था, तब भी मैं इस चेयर पे मैं बैठा था। When I asked her to marry me, जब मैंने तुम्हारी ग्रैंड माता को मुझसे शादी करने के लिए मैंने पूछा था, तब मैं ये चेयर में बैठा था। It was so long ago, बहुत ही समय पहले, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. बहुत ही समय पहले मैंने उसे पूछा था, लेकिन जब भी मैं ये चेयर पर बैठता हूँ और अपनी आईज को मैं क्लोज करता हूँ, तो वह, मैं ऐसा फील करता हूँ कि वह मेरे पास ही है, मुझे ऐसा फील होता है। द ओल्ड मैन पास्ड हिज हैंड जेंटली अलोंग द आर्म ऑफ द चेयर। ओल्ड मैन ने क्या कहा कि उन्होंने जेंटली धीमे से अपने हाथ को ऐसे चेयर पर रख दिए। चेयर पर ऐसे होते हैं ना हमारे आर्म्स रखने की जगह, तो वहाँ पे जेंटली ग्रैंडपा ने उसके हाथ रखे। इट्स अमेजिंग, जॉन थॉट। जॉन क्या कहता है कि इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, हाउ पॉप कैन रिमेम्बर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। पास्ट मीन्स पुरानी, कि इतनी पुरानी कोई बात है वो तुम कैसे याद रख सकते हो। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्रेजेंट में तो वो सब चीज भूल जाते हैं। तो पोपू है ना ऐसे थॉट करता है कि इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि ग्रैंडपा है उसको इतनी पुरानी बात है याद है, और प्रेजेंट में तो वो सब भूल जाते हैं। जॉन सेट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पोपो फीट्स एंड लिसन एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन। पोपो है वो फ्लोर पे अपने दादा के पाँव पर, पाँव के पास बैठ जाता है, और जो उनके दादा है ये बुल्ड ओल्ड मैन है, उनको ये आगे सुनता ही जाता है। अब ग्रैंडपा है ये उसकी स्टोरी बताता है कि इस चेयर के साथ उसके क्या क्या खुशी जुड़ी है, कौन कौन सी बात इस चेयर के साथ जुड़ी हुई है। तो जॉन को भी ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है, उसको भी सुनने में मज़ा आता है, तो वह अपने ग्रैंडपा के फीट पे बैठ जाता है। जॉन सेट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉपअप्स फीट एंड लिसन एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन। वह पॉपअप के पास नीचे बैठ जाता है और उनको आगे सुनता जा रहा है। इन द नाइट Your father was born, I sat in this chair. जब तुम्हारा पिता का जन्म हुआ था, जब वो बोर्न हुए थे, तब भी मैं यही चेयर पे बैठा हुआ था। I was nervous, मैं थोड़ा नर्वस था, चिंतित था। I was scared when they placed the tiny baby into my arms. जब उन्होंने इस छोटे से बेबी को मेरे आर्म में दिया तो मैं घबरा गया था। येट आई वॉज नेवर हैप्पियर, बट मैं खुश, ज़्यादा खुश नहीं था। अ स्माइल सडनली लिट हिज ओल्ड फेस।
और अचानक ही मेरे ऐसे उसके ओल्ड फेस पे स्माइल आ गई। आई स्कियर्ड वेन द प्लेस दे प्लेस द टाइनी बेबी इन टू माई आर्म्स येट आई वॉज नेवर हैप्पीयर। अ स्माइल सडनली लिट हिज ओल्ड फेस। क्या कहते हैं उनके दादा कि जब तुम्हारा पापा का जन्म हुआ था ना तब भी मैं इसी चेयर पे बैठा था और उन्होंने एक छोटा सा बेबी मेरे हाथ में रख दिया तो मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं आई वॉज नेवर हैप्पीयर। मैं कभी इतना खुश नहीं था और ऐसे में अचानक सी स्माइल उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड जॉन सेड थॉटफुली। फिर जॉन ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों तुमको इस चेयर के साथ इतना लगाव है, क्यों तुम इस चेयर को छोड़ना नहीं चाहते। मैनी ईयर्स लेटर पोपोप्स वॉइस ब्रोक एंड ही पॉज्ड अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यू। कई साल पहले पोपोप की जो वॉइस थी वो थोड़ी टूट गई, उसने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, बीच में वो थोड़ा सा रुक गए। बिफोर ही कंटिन्यू वो आगे बढ़ते जा रहे थे, इसमें वो बीच बीच में थोड़ा स्टॉप हो जा रहे थे, उसका वॉइस ब्रोक हो रहा था। आई सेट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड एंड टोल्ड मी दैट योर ग्रैंडमा वॉज इल। मैं तब भी इस चेयर में बैठा था जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया और यह कहा कि तुम्हारी दादी माँ है वो इल है, बीमार है। आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गेव मी कम्फर्ट एंड वार्मथ। क्या कहता है कि उसके बिना मैं खो गया था लेकिन ये जो चेयर है ना वो मुझे कंफर्ट और थोड़ा सा अच्छा फील कराती है। इस चेयर के साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। अंडरस्टैंड ना। क्या कहता है पोपोप कि जब पोपोप है वो अपने जॉन को ये सुना रहा है तो बीच बीच में वो थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं, उसकी जो आवाज़ है उसमें थोड़ा रुक जाते हैं, ब्रोक हो जाती है। और फिर क्या कहते हैं कि जब भी तुम्हारी दादी माँ इल थी ना तब डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारी दादी माँ इल है, वो बहुत ही बीमार है, तब भी मैं इस चेयर में बैठा था। और उसके बिना जब उसकी दादी माँ चली गई तो उसके दादा का कोई आधार नहीं रहा, वो गुमसुम से हो गए थे, वो कहीं खो गए थे। लेकिन जब भी वो उस चेयर में बैठते हैं ना तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। द ओल्ड मैन सैडनेस सीम टू ग्रो एज ही रिकॉल दैट अनफॉर्चुनेट डे। ओल्ड मैन की उदासी है वो थोड़ी सी वापस दिखाई दे रही है एंड वो बिन नसीब वाले दिन भी दिन को वो बुला रहे हैं। ये सब जो वो बातचीत कर रहे थे तो उसके ग्रैंडपा की जो सन ग्रैंडपा जो थे उसके फेस पे थोड़ी सी वापस उदासी छा गई और उसके जो ये पहले वाले जो बिन नसीब वाले जो दिन थे ना वो उसको ये रिकॉल करते हैं, वापस बुलाते हैं। तो ये सब दिन याद करते हुए उसके दादा भी थोड़े सैडनेस हो गए थे। आई एम सॉरी पोपोप। पोपोप मैं सॉरी कहता हूँ, मैं बहुत ही दिलगिर हूँ। जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सेड। जॉन ने अपने ग्रैंडफादर की ओर देखा और बोला आई डू सी नाउ दिस इज नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर। क्या कहता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि ये ओल्ड चेयर नहीं है, ये सिर्फ आपकी ओल्ड चेयर नहीं है, उसके साथ आपके कितने सारे हैप्पीनेस सैडनेस कई मोमेंट जुड़े हुए हैं।
दिस चेयर इज मोर लाइक योर फ्रेंड, ये चेयर फ्रेंड से भी ज्यादा आपके लिए मायने रखती है। यस वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉपॉप सेड। पॉपॉप ने क्या कहा कि यस हमने इसे साथ में बहुत कुछ किया है। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, हम ऐसे साथ में ऐसा बहुत कुछ हमने आगे किया है। दैट नाइट हाउएवर व्हेन जॉन एंड पॉपॉप वेर स्लीप, उसी की उसी रात जब जॉन और पॉपॉप सो गए थे, जॉन्स मॉम एंड डैड कैरीड द चेयर आउट टू द फुटपाथ, उन्होंने इस चेयर को उठा के फुटपाथ पे रख दिया। क्या कहा कि उस रात को, दैट नाइट हाउएवर जॉन एंड पॉपॉप वेर स्लीप, जॉन्स मॉम एंड डैड कैरीड द चेयर आउट ऑफ द फुट। फिर उस रात को जब जॉन और पॉपॉप सो गए तो जॉन की पेरेंट्स ने क्या कहा, क्या किया कि इस चेयर को उठा के उन्होंने फुटपाथ पे रख दिया। इट वॉज ए स्टारलेस नाइट, वो कोई एक ऐसी रात थी, स्टारलेस थी, नाइट में आकाश में स्काई में बिल्कुल भी तारे दिखाई नहीं देते थे। तो स्प्रिंग हेड सेट इन, स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई, स्प्रिंग ऋतु थी वो भी आ गई थी और ब्लैक स्काई में से स्नो है, बर्फ है, वो नीचे गिर रही थी साइलेंटली, वो इसे साइलेंटली स्नो है वो नीचे गिर रही थी। एंड कवर्ड पॉपॉप चेयर विथ ए ब्लैंकेट ऑफ व्हाइट, और ऐसे जो स्नो नीचे गिर रही थी ती पॉपॉप की जो चेयर थे उसको ऐसे व्हाइट ब्लैंकेट से जैसे उसे ढका हुआ है, ऐसे चेयर को भी उसने बर्फ ने कवर कर लिया था कि बर्फ पड़ रहा था और चेयर उसने फुटपाथ पे रख दी और बर्फ ऐसे चेयर पर पड़ा और कैसा लग रहा था कि जैसे व्हाइट ब्लैंकेट उस पे कवर कर दिया है ऐसा लग रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउन स्टेयर, पॉपॉप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। फिर दूसरी मॉर्निंग में जब जॉन नीचे आया तो पॉपॉप है वो विंडो के पास ऐसे खड़े हुए थे और बाहर देख रहे थे। अ टीयर रोल डाउन हिज हेलो चिक, उसके जो आंसू थे वो ऐसे गाल पे यहाँ नीचे गिर रहे थे, वो पॉपॉप थे वो रड़ रहे थे विंडो के पास ऐसे खड़े खड़े, अपनी चेयर बाहर पड़ी थी तो वहाँ देख रहे थे और उसके जो आंसू थे ये गिर के यहाँ उसके चीक पर आ रहे थे। अ टीयर रोल डाउन हिज होलो चीक, आंसू थे वो बह के उसके चीक पर आ गए थे, चीक पर दिखाई दे रहे थे। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज, जॉन ने ये जो उसके दादा जो उसकी चेयर को ऐसे ताक के देख रहे थे ये और जो उसकी चेयर थे वहाँ उस पर बर्फ जम गया था वो उन्होंने देखा। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस, और फिर उन्होंने क्या देखा कि घर के बाहर फुटपाथ पे जो स्नो से कवर हो चुकी थी वो चेयर भी उन्होंने देखी। वेट सॉरी ही सॉक्ड जॉन, इट सॉक्ड जॉन, जॉन को वो बहुत ही शॉक हो गया, उसको झटका लगा। ही रेन आउटसाइड, वो बाहर की तरफ दौड़ के चला गया। वेट डोंट टेक द चेयर, ही शाउटेड वेविंग बोथ आर्म्स इन द एयर एज ही रश्ड टू स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग द चेयर अवे, वो दौड़ के इसे बाहर चला गया और उन्होंने क्या कहा कि वेट रुक जाओ, डोंट टेक द चेयर, इस चेयर को तुम ले जा सकते नहीं हो। वो बूम ऐसे साउट कर रहे थे और हवा में ऐसे अपने दोनों हाथ फैलाते हुए
वहाँ जो चेयर ले जा रही थी वहाँ वो ऐसे दौड़ के चला गया। क्या कहा उन्होंने जॉन ने कि इस चेयर को तुम ले जा नहीं सकते, और उन्होंने बूम पाड़ी, हवा में ऐसे उसके दोनों हाथ वो वेव कर रहे थे और स्टॉप द मैन फ्रॉम टॉकिंग द चेयर अवे, और जो चेयर को ले जा रहे थे उनको वो स्टॉप कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, दौड़ के जा रहा था और कह रहा था कि नहीं तुम इस चेयर को मत ले जाओ। उन्होंने जो चेयर ले जा रहे थे उस लोग को उन्होंने ऐसे साउट करके रोका। Then he ran back inside. Then फिर वो वापस अंदर आया and faced his mom, और उसकी मोम को बुलाया। Look at Pop-up mom. Pop-up की तरह देखो मोम। You can't throw out his chair. तुम उसकी चेयर को ऐसे थ्रो नहीं कर सकते हो। This is not just a chair. ये सिर्फ चेयर नहीं है। This chair has been with Pop-up for a very long time. ये जो चेयर है वो Pop-up के साथ बहुत ही समय पहले है, कि बहुत ही ज्यादा समय से ये चेयर है ये Pop-up के साथ है। This chair is like a friend. ये जो चेयर है ना वो उसकी फ्रेंड की तरह है। ये सिर्फ चेयर नहीं है, वो बहुत ही समय से इस चेयर के साथ रह रहे हैं, तो तुम इस चेयर को ऐसे बाहर फेंक नहीं सकते हो। व्हाट एंड डू यू एक्सपेक्ट, अब तुमको गेस करना है कि एन में क्या हुआ होगा, कि जॉन की जो मम्मा है उसने इस चेयर को वापस अंदर ले लिया होगा या फिर उसे ले जाया ले जाने दिया होगा। ओके तो हम देखते हैं। जॉन्स मॉम टर्न एंड लुक एट द ओल्ड मॉम। जॉन ने ऐसे जॉन की मम्मा ने ऐसे घूमा और पॉप-अप की तरफ देखा। स्लोली सी वॉकड टूवर्ड हिम, वो स्लोली धीमे से वो उसकी तरफ चल के गई। विथ हर मिडल एंड रिंग फिगर सी वीप अवे अ टीयर, उन्होंने अपनी ऐसे मिडल वाली जो रिंग वाली जो फिगर थी उससे उसके आंसू दूर किए। दादा थे वो रो रहे थे, उसके जो आंसू थे वो ऐसे गिर के चीख पर आ रहे, तो जॉन की मम्मा ने क्या कहा कि वो स्लोली उनके दादा के पास गए और ऐसे उसके आंसू को पोछा। एंड देन सी टूक द ओल्ड मैन्स फेस इन टू बोथ हर हैंड्स एंड सेड, फिर उन्होंने ओल्ड मैन के फेस पर उनके दोनों हाथ रखे और कहा, आई एम सॉरी पॉप-अप, मैं बहुत ही दिलगिर हूँ पॉप-अप, आई गेस, मैं गेस कर सकती हूँ, आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मीन टू यू। क्या कहती है कि वो सॉरी बोलती है, कहती है कि मैं ये रियलाइज कर पा रही हूँ कि ये चेयर तुम्हारे लिए क्या मीनिंग रखती है, तुम्हारे लिए ये चेयर कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैं समझ नहीं सकी। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड, जॉन और मैं तुम्हारी इस चेयर को हम वापस अंदर ले आएंगे। फिर क्या हुआ कि जॉन ने उसकी मम्मा को बोला कि दादा के लिए ये जो चेयर है ना वो सिर्फ चेयर नहीं है, वो बहुत ही समय से उसके साथ रह रहे, ये उसकी एक फ्रेंड की तरफ है। फिर जॉन की मम्मा ने क्या कहा कि इस ओल्ड मैन की तरफ देखा और उसके पास वो जाती है, फिर उसके जो आंसू है वो पोंछती है और इस ओल्ड मैन के गाल पे अपना हाथ रख कर बोलती है कि सॉरी कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं सकती, ये चेयर है ये तुम्हारे लिए क्या मीनिंग है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये मैं नहीं समझ सकी, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। अब मैं और जॉन दोनों हम बाहर जाके तुम्हारी चेयर को अंदर ले आते हैं।
दे ब्रश्ड ऑफ द स्नो विद देयर हैंड्स एंड पुश्ड द चेयर बैक इनसाइड। उन्होंने क्या कहा कि अपने हाथों से चेयर पे जो बर्फ जमी हुई थी उसको हटाया, ब्रश ऑफ मींस की स्नो को हटाया और इस चेयर को वो वापस अंदर ले आए। दे प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कुड डाई। और फिर उन्होंने इस चेयर को फायर प्लेस पे रखा, ऐसी गर्म जगह पे रखा कि जैसे ये सूख जाए। बाहर तो बहुत ही स्नो हो रही थी तो पूरी की पूरी चेयर स्नो से कवर हो गई थी, तो वो थोड़ी पिघल गई होगी, कोल्ड हो गई। तो फिर उसने इस चेयर को कहाँ रखा, फायर प्लेस पे गर्म जगह पर रखा कि जैसे ये सूख जाए। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन। फिर जॉन की मम्मा ऐसे थोड़े पीछे चली एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ। और जैसे कि वो इस चेयर को पहली बार देख रही है, ऐसा देखते हुए वो चेयर से देखते हुए ऐसे वो अपने आप बोलती है, आई गेस इट डज गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर। इस चेयर को इस फैमिली की एक फैमिली मेंबर की तरह, एक कैरेक्टर की तरह उसका एक सर्टेन रूम होना चाहिए। ये क्या कहती है अब चेयर को देखकर कि ये भी एक हमारा फैमिली मेंबर की तरह ही है, तो उसको अब हम एक कैसा उसका अलग रूम देंगे, उसको अब हम हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही रखेंगे। आई गेस इट डज गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर। क्या कहती है कि उसको अब एक फैमिली मेंबर की तरह उसका भी एक रूम होना चाहिए, उसको भी अब हम फैमिली मेंबर की तरह ही रखेंगे। एंड जॉनी पॉपॉप वुल हार्टली एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी रादर डल विदाउट दिस ओल्ड चेयर। अब जॉन और पॉपॉप वो पूरे हृदय के साथ एग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि हमारा ये जो लिविंग रूम है ना वो इस चेयर के बिना डल लगेगा। इस चेयर के बिना हमारा लिविंग रूम वो कैसा लगेगा, डल फीका लगेगा, कि ये जो चेयर है ना वही हमारी लिविंग रूम की शोभा है, उससे ही हमारा ये जो रूम है वह अच्छा लगेगा, उसके बिना ये हॉल तो डल लगेगा। ओके नाउ ये एक्टिविटी 4 यहाँ फिनिश होती है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये जो ग्रैंडफादर है वो अपनी चेयर ले जा देने नहीं थे, क्यों उसको अपनी चेयर से लगाव था। ऐसे ही तुमको भी कोई ऐसी तुम्हारी कोई फेवरेट चीज़ हो, ऐसी प्यारी थिंग्स हो जिसे तुम अपने आप से दूर करना नहीं चाहते हो, है ना। ऐसे कई सारे ऐसे हमारे टॉयस होते हैं, ऐसे क्लोथिस होते हैं, बैग्स होते हैं, ओके पेन या फिर कोई ऐसा पेंसिल ऐसे कलर होते हैं, तो जिसको हम कभी उससे छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम कभी वो बिगड़ भी गई हो, टूट भी गई है, फिर भी हम उसे अपने पास रखते हैं। ये भी आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। ओके तो ये जितनी ये जो चीज़ है आपकी फेवरेट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आप उसे चाहते हैं, इसी तरह ये जो चेयर है उसके साथ दादाजी के पूरे जीवन के जो मोमेंट थे ना वो उसके साथ जुड़े हुए थे, तो वह भी ये चेयर को अपना फ्रेंड ही समझते थे। पहले जितनी वो बिगड़ गई, पुरानी हो गई, लेकिन उनको यही अच्छी लगती थी। ओके नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है और यहाँ पे ए में क्वेश्चन का आंसर लिखना है और बी में क्या है कि हुम एंड व्हेन, हु सेड द फॉलोइंग टू हुम। ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है और किसी को कहता है। ये जो दोनों है एक्टिविटी 5 के ए और बी, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो
तो इसका आंसर आपको अपनी रफ बुक में लिखना है। और बी है वो भी सेंटेंस कौन बोल रहा है और किससे कह रहा है, ये आपको जो दोनों एक्सरसाइज है ये घर पे करना है। ओके,